हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ आवर यूनिट टेन एंड इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक ओके सो डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर आवर चैप्टर नेम इज द ग्रास होपर एंड द आंट ठीक है ये हमारे चैप्टर का नेम है और इस चैप्टर के अंदर आपने स्टोरी सुनी होगी पहले जब आप इस स्टोरी सुनोगे तो आपको तो पता चलेगा कि हाँ हमने पहले ये टेल कहीं सुन रखी है क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है आपसे इसको कोई अच्छी मॉरल सीखने को मिलेगी है ना तो स्टोरी के अंदर क्या होता है एक ग्रास ऊपर होता है और एंट्स होती हैं अब ग्रास ऊपर किसको कहते हैं ग्रास ऊपर एक इंसेक्ट होता है ग्रीन कलर का लाइक दिस ठीक है तो एक ग्रास ऊपर होता है और एंट्स होती हैं ग्रास ओपर जो होता है बहुत ज्यादा लेजी होता है अब वो इतना ज्यादा लेजी होता है तो पूरा दिन वो गाना बजाना करता रहता है और एक ही जगह बैठा रहता है तो आगे देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है वैसे हमें लेजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए हमें हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए एक्टिव रहना चाहिए हमें लेजी हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये बहुत ज्यादा बैड हैबिट है लेकिन हमारा जो ग्रास ओपर था वो लेजी था तो अब देखते हैं जो वो इतना लेजी था देन क्या होता है स्टोरी के अंदर सो लेट्स बिगिन द स्टोरी फ्रॉम हियर ठीक है स्टोरी को पहले रीड करते वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास होपर ही डिड नॉट लाइक टू वर्क ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द सनशाइन ठीक है तो so, एक बार की बात है एक ग्रास होपर था और वो ग्रास होपर क्या करता था उसको बिल्कुल भी काम करना नहीं पसंद था वो बहुत ज्यादा लेजी था पूरा दिन वो क्या करता रहता था पूरा दिन वो गाना गाता रहता था और गाना बजाता रहता था ट्यून बजाता रहता था गाने की ठीक है तो ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग एंड प्लेड इन द warm सनशाइन तो सनशाइन के बीच में सनशाइन में बैठकर वो पूरा दिन गाना गाता रहता था और बजाता रहता था गाना ठीक है जैसे कि ये बजा रहा है यहाँ पर गाना ये ग्रास होपर है और ये गाना बजा रहा है देन उसके बाद ही 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 look at me I am happy ही 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 look at me I am as happy as can be the grasshopper laughed at the hard ants as they worked day and night ठीक है तो ग्रास कहता है ही 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 देखो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और वो आंट्स के ऊपर हंसता है क्योंकि आंट्स जो होती हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती थी ठीक है आंट्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी और वो दिन रात काम करती रहती थी तो इसलिए ग्रास ऊपर बैठकर आंट्स के ऊपर हंसता है कि तुम तो पूरा दिन काम करती रहती हो मुझे देखो मैं तो कितना खुश हूं मैं तो गाता बजाता रहता हूँ पूरा दिन देन क्या होता है वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड दे रिप्लाइड द लेजी ग्रास होपर only laughed louder तो आंट उसे कहती हैं कि विंटर्स आने वाली हैं और हम विंटर्स के लिए बहुत सारा खाना जमा कर रहे हैं खाना कलेक्ट कर रहे हैं ग्रीन्स कलेक्ट कर रहे हैं ठीक तो है तो आगे विंटर्स आने वाली हैं तो उनके रिप्लाई पर ग्रासो पर हंसता ही रहता है मजाक उड़ाता है अरे अभी तो समर चल रही है विंटर्स के लिए क्या सोच रही हो विंटर्स के लिए क्यों इकट्ठा कर रही हो खाना इसलिए वो हंसता है उनके ऊपर समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर एंड हो जाता है, आ जाती है। जल्दी से समर्स का एंड हो गया और विंटर्स आ गई और जो हवा है ना वो बहुत तेज चलने लग जाती है बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है तो जब विंटर्स आती है तो हमारी जो विंड होती है वो बहुत तेज चलती है ना हवा काफी तेज चलती है और ठंडी हवा चलती है तो वो स्टार्टिंग होती है विंटर्स की और स्नो पड़नी भी स्टार्ट हो जाती है इतनी तेज विंटर पड़ती है देन द ग्रास होपर नाउ बिगेन टू वरी देर इज नो फूड टू ईट नो ग्रास नो फ्लावर्स और लीव्स आई कांट सी इवन द टाइनियस्ट फ्लाई और वॉर्म वॉट विल आई डू i will surely starve," he cried let me meet my kind neighbor the aunt ठीक है तो अब विंटर्स आ गई लेकिन ग्रासोपर के पास तो कुछ भी खाने को खाने के लिए था ही नहीं समझ में वो तो आराम से अपना म्यूजिक एंजॉय करता था म्यूजिक गाता था और म्यूजिक बजाता था उसके पास तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए तो अब ग्रासोपर परेशान हो जाता है वरी हो जाता है वो वो क्या कहता है कि ना तो मेरे पास मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं ना तो मेरे पास कोई फ्लावर है खाने के लिए ना मेरे पास लीव्स हैं है ना 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 ही ही ग्रास ग्रास है 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 मेरे पास क्या क्या बोल रहा है वो ग्रास, फ्लावर्स और लीव्स इन तीनों में से भी कुछ भी कुछ नहीं टाइनीस्ट फ्लाई उड़ रही आप जो मक्खियां होती है ना छोटी छोटी ना तो टाइनीस्ट फ्लाई है ना ही कोई इंसेक्ट है तो ग्रास ऊपर जो है वो फ्लाईस और छोटे छोटे इंसेक्ट को भी खा लेते हैं तो उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था आसपास फिर वो क्या कहता है कि हाँ अब मैं अपने काइंड नेबर के पास जाता हूँ जो मेरी काइंड नेबर थी मतलब आंट्स मैं उनके पास जाता हूँ वो मेरी कोई हेल्प कर दें उन्होंने खाना स्टोर किया था फिर क्या होता है द ग्रास होपर ग्रास दर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग आंट द विंटर ही नॉक्ड एट हर डोर डियर आंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड आई हैव नथिंग टू ईट प्लीज कैन यू गिव मी ग्रासोपर को याद आता है कि हाँ आंट्स तो बहुत ज्यादा वर्किंग थी वो पूरा दिन खाना ही कलेक्ट करती रहती थी कितना ज्यादा वर्क करती थी ठीक है तो और मैं बैठा रहता था और वो ग्रेन्स कलेक्ट कर रही थी किसके लिए विंटर्स के लिए वो लोग ग्रेन्स कलेक्ट कर रहे थे देन वो क्या करता है वो ants के घर पर जाता है और वो नॉक करता है दरवाजा फिर आंठ दरवाजा खोलती है एज यू कैन सी ही दरवाजा खोलती है और ग्रास ऊपर नॉक करता है तो वो कहता है डियर आंट मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है ठीक है और मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है आई हैव नथिंग टू ईट मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है प्लीज कैन यू गिव मी समूड तो क्या तुम तो मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो जो तुमने कलेक्ट किया था अब आंट का क्या रिएक्शन होता है द आंट शूक इन एंगर लेजी वन वॉट वर यू डूइंग ऑल समर यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग यू शुड ahead. कोल्ड विंटर मंथ गो अवे शी shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. तो क्या होता है अब अब यह सुनकर आंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो कहती है कि तुम पूरी समर्स क्या कर रहे थे हम तो फूड कलेक्ट कर रहे थे लेकिन तुमने क्या किया पूरी समर्स तुम तो सिर्फ नाचते और गाते रहते थे पूरी समर्स है ना तो मैं विंटर्स के बारे में भी सोचना चाहिए था फिर वो क्या करती है कि वो कहती है कि तुम्हें विंटर्स के बारे में भी सोचना चाहिए था विंटर्स आने वाली है आगे विंटर्स हैं देन वो क्या करती है वो अपना डोर एकदम से पटक के बंद करती है है ना पटक के जब हम डोर को बंद करते हैं ना उसे कहते हैं स्लैम्प ठीक है वो अपना डोर जो है पटक के बंद करती है द लेजी ग्रास होपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर तो लेजी ग्रास होपर को भूखा ही लौटना पड़ता है जैसे कि वो पहले भूखा था ठीक है तो ये थी हमारी स्टोरी आपको समझ में आई अच्छी थी स्टोरी एंड स्टोरी के अंदर आपको क्या मॉरल मिलती है हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए सो दिस स्टोरी शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवर्क एंड द टाइम मैनेजमेंट Once time, time has gone, इट विल नेवर कम बैक ठीक है तो हमें अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमारे पास जो भी टाइम है हमें उसे अपनी स्किल्स पे लगाना चाहिए या फिर हमें अपने काम टाइम पर करने चाहिए ठीक है अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो ये आपकी बहुत ही बैड हैबिट है इसको आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए आपको एक्टिव रहना चाहिए ओके स्टोरी so, थी आपको समझ में आई तो स्टोरी को एक बार समराइज कर लेते हैं स्टोरी के अंदर क्या होता है स्टोरी के अंदर एक ग्रास है और बजाता रहता था आंस क्या करती थी पूरा दिन आंस हार्ड वर्किंग थी वो हार्ड वर्क करती थी ठीक है और पूरा दिन वो खाना कलेक्ट करती रहती थी क्यों क्योंकि आगे विंटर्स आने वाली थी लेकिन ग्रास ओपर उनके ऊपर हंसता था कि तुम क्यों इतना वर्क करती हो देखो मैं तो कितना ज्यादा खुश हूँ मैं तो गा रहा हूँ बजा रहा हूँ मैं खुश हूँ तुम क्यों हार्ड वर्क करती रहती हो विंटर्स में तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है तो आंट उनको रिप्लाई करती है कि हाँ हम विंटर्स के लिए फूड कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि विंटर्स आने वाली है फिर क्या होता है विंटर्स आ जाती है स्नो पड़ने लग जाती है है ना तो ग्रास ऊपर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता और फिर वो आंट्स के पास जाता है कि तुम मुझे क्या कुछ खाना दे सकती हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और ठंड भी लग रही है लेकिन आंट्स उसको मना कर देती है और बोलती है कि तुम पूरी समझ कर क्या रहे थे तुम तो पूरी समझ इंजॉय कर रहे थे अपना सिंगिंग एंड डांसिंग में तुमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया ओके सो दैट वॉज योर स्टोरी इससे आपको बहुत ही अच्छी मॉरल मिलती है आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है एक बार टाइम चला गया तो वो वापस कभी भी नहीं आने वाला है ऑल राइट सो लेट्स कम टू दी न्यू वर्ड्स ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हमारी स्टोरी से लिए गए हैं तो एक बार इनको डिस्कस करते हैं वर्किंग का मतलब क्या होता है मेहनती ठीक है तो आंस क्या थी वर्किंग थी मतलब मेहनती थी अराइव का मतलब क्या होता है पहुंच गया मतलब जब आप कहीं पर पहुंच जाते हो तो कहते हैं अराइव्ड स्टाफ का मतलब होता है भूखा मरना जैसे कभी कभी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है आप स्कूल से घर जाते हो आप बहुत ज्यादा भूख लग रही होते। आप क्या है ना मतलब भूख से मर जाना का मतलब होता है किसी भी चीज को पटकना जैसे आंट्स ने डोर पटक दिया था डोर पटक के बंद कर दिया था उसे कहते हैं स्लैंप अंडरस्टूड सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चन

स्पेंड हिज डेज ग्रास होपर जो है वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था अपने डेज को कैसे स्पेंड करता था पूरा टाइम क्या करता रहता था तो आंसर है डे तो ग्रास होपर अपने डेज को कैसे स्पेंड किया करता था पूरा दिन गाना गाता रहता था और बजाता रहता था पूरा दिन ठीक है कुछ भी नहीं करता था अपना टाइम वेस्ट करता रहता था नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द ग्रास होपर फाइंड फूड इन विंटर तो क्या ग्रास होपर ने फूड फाइंड कर लिया था विंटर में नहीं उसने कुछ स्टोर भी करके नहीं रखा हुआ था तो आंसर होगा नो ग्रास होपर डिड नॉट फाइंड फूड ठीक है इन विंटर तो विंटर में ग्रास होपर ने फूड फाइंड नहीं किया था और ना ही उसके पास कोई स्टोर फूड था नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आंट ने क्या कहा जब ने ने उससे मांगा? तो आंट ने क्या कहा था द आंट हिम दैट इन समर्स ही वॉज वेस्टिंग हिस्स टाइम तो आंट ने उससे यह कहा था कि समर्स के अंदर तुम क्या कर रहे थे तुम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे अब यहां पर क्यों आए हो देन शी ऑल्सो कॉल्ड हिम लेजी और उसने ग्रास ओपर को लेजी भी बोला था लेजी कौन होते हैं लेजी होते हैं वो लोग जो बैठे रहते हैं और कुछ भी काम नहीं करते और उनको काम करना पसंद नहीं होता जैसे हमारे ग्रास ओपर को काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था ठीक है क्वेश्चन आंसर लेट्स कंटिन्यू विद न्यू सेक्शन एंड दिस इज लेट स्टॉक ठीक है इन लेट स्टॉक वी हैव फ्यू क्वेश्चन सो लेट्स डिस्कस अबाउट दम फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वर आस्ट टू स्टोर थिंग्स फॉर द विम एनी थ्री थिंग्स अगर आपसे कहा जाए कि आपको विंटर के लिए कुछ चीजें जमा करनी है कुछ चीजें स्टोर करके रखनी है तो आप कौन कौन सी चीजों को स्टोर करोगे आपको ऐसी तीन चीजें बतानी है तो हम कौन कौन सी चीजों को स्टोर करते हैं जब विंटर्स के लिए क्या क्या स्टोर करके रखते हैं विंटर्स के लिए बताओ आपको गेस करके बताना है तो आप क्या स्टोर करके रखोगे विंटर्स के लिए आप वूलन क्लोथ स्टोर करके रखोगे जैसे कि जैकेट सॉक्स ग्लव्स है ना स्वेटर और अपने एरिया के अकॉर्डिंग जैसे कुछ लोग हिल स्टेशन की साइड पर रहते हैं हिल्स में रहते हैं तो वो वहां पर तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और वहां स्नो भी होती है ना तो लोग वहां पर अक्सर फूड भी स्टोर करके रखते हैं वाटर भी स्टोर करके रख सकते हैं है ना तो आपको थ्री नेम्स uh, बताने हैं बस ऐसी तीन चीजें आपको बतानी उन चीजों के नेम बताने जो आप स्टोर करके हो तो ये आपके इंडिविजुअल आंसर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट ठीक है तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा सीजन पसंद है जैसे किसी को विंटर पसंद होता है किसी को रेनी सीजन पसंद होता है और या फिर किसी को समर पसंद होता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको समर पसंद होता है तो जैसे मुझे तो विंटर सीजन पसंद है तो आपके इंडिविजुअल आंसर होंगे आपको कौन सा सीजन पसंद है नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रास द आंट इन योर ओन लैंग्वेज तो इसके अंदर आपको करना यह है कि आपको ग्रास होपर और आंट की जो स्टोरी है जो अभी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी है ये आपको अपनी क्लास के सामने अपनी लैंग्वेज में बोलना है अपनी लैंग्वेज में आपको स्टोरी सुनानी है ठीक so है सो वी है वर्ड बिल्डिंग तो वर्ड बिल्डिंग के अंदर आपको करना क्या है सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम सो वी हैव फ्यू वर्ड्स हियर तो आपको उन वर्ड्स के ऊपर सर्कल करना है जिनका मीनिंग सेम है ठीक है तो जैसे स्पीक एंड टॉक इन दोनों का मीनिंग सेम है तो मैंने इन दोनों को सर्कल कर दिया कंप्लीट स्पीक का मतलब भी बोलना होता है टॉक का मतलब भी बोलना होता है नेक्स्ट है कंप्लीट एंड फिनिश ठीक है दोनों का मतलब होता है पूरा करना तो कंप्लीट एंड फिनिश को सर्कल कर देंगे नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल लिटिल स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा और लिटिल का मतलब भी क्या होता है छोटा तो इनको मैंने सर्कल कर दिया ठीक से. है सेम कलर से नेक्स्ट है सिक सिक और इल दोनों का मतलब सेम होता है बीमार पड़ना ठीक है तो मैंने इन दोनों को सर्कल कर दिया यहाँ पर बिग एंड लार्ज बोथ मीनिंग्स आर सेम ठीक है तो बिग का मतलब भी बड़ा होता है एंड लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है ठीक है तो इन दोनों को हम सेम uh, कलर से हम सर्कल कर देंगे ओके okay, तो बाकी के जो आपके वर्ड्स बचे हुए इनके आ, इनके जो पैर हैं वो है ही नहीं तो इनके पैर जो जिनके पैर थे उनको आप सर्कल कर दोगे ओके नाउ वी हैव डन दिस सेक्शन हियर लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड सो वी हैव द सेक्शन हियर द वेब वर्ल्ड ठीक है तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है लेट्स डिस्कस अबाउट इट वेन यू हैव विंटर एंड समर वर टू ये हो तो ऐसे कौन कौन से माइंड में आते हैं ठीक है नाम सुनते ही तो इन वर्ड्स को आपको क्लाउड्स में लिखने हैं जो ये बबल्स है ना क्लाउड्स जैसे जो बबल्स दिख रहे हैं आपको इनमें लिखना है आपको अंडरस्टूड तो करते हैं जैसे कि ये विंटर का ऑप्शन है यहाँ पर इसके आसपास बहुत सारे बबल्स बने हुए हैं तो हमें यहाँ पर विंटर का लिखना है एंड नीचे समर्स का यहाँ पर एक आ, सन बना हुआ है इसके आसपास जो बबल्स है हमें यहाँ पर सन का लिखना है ठीक है तो पहले हम विंटर्स का लिखेंगे तो विंटर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं हमारे माइंड में हीटर ठीक है क्लोथ्स वूलन क्लोथ्स क्लोथ हमें जरूर चाहिए होते हैं स्का्फ ये सब विंटर्स की आइटम है ग्लव्स एंड जैकेट ठीक है ऑन दी अदर हैंड समर्स के बारे में पढ़ते हैं तो समर के अंदर हमें किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और समर के नाम से ही हमारे माइंड में ये वर्ड जरूर आते हैं आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स एयर कंडीशनर एसी और कॉटन क्लोथ्स आप पहनते हो ना समर्स के अंदर आप नॉर्मल क्लोथ्स तो नहीं पहनते या फिर कोई भी क्लोथ क्लोथ्स नहीं पहनते आप प्रिफर करते हो कॉटन क्लोथ्स पहनना एंड फैन पंखा ठीक है अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इन दिस स्लाइड वी है कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन क्या है विद नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स पिक अप द लेटर अंडर ईच नंबर एंड रिप्लेस नंबर्स बाय राइटिंग इट इन द ब्लैंक्स ठीक है सो यू हैव अ बॉक्स हियर तो इसके अंदर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और उनके नंबर्स लिखे हुए हैं ठीक है और यहां पर ब्लैंक्स है और नीचे नंबर लिखे हुए हैं तो आपको इनके नंबर पे जाकर गेस करना है और बताना है कि यहां पर कौन सा अल्फा आएगा ठीक है इनके नंबर्स के बेसिस पर ओके सो लेट्स डू इट जैसे 24 है फर्स्ट नंबर आपका तो 24 पे कौन सा अल्फाबेट है 24 पे है जी हमने जी यहां पर लिख दिया अब कौन सा नंबर है फिफ्टीन सो वेर इज द फिफ्टीन 15 इज so हर आर ठीक है तो यहां हम आर लिख देंगे नेक्स्ट है थ्री सो थ्री पर है ए नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री दो बार है ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री एस है तो डबल एस आ जाएगा क्योंकि ये दो बार है तो ये कौन सा वर्ड बन गया ग्रास ठीक है नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास ट्वेंटी वन सो वेर इज द ट्वेंटी वन लेट्स फाइंड आउट ओके सो इट इज हियर और इसका अल्फाबेट कौन सा है एच तो ट्वेंटी वन पर है एच नेक्स्ट नंबर है हमारे पास टेन सो टेन इज हियर. ओ ठीक है तो हमने ओ फिल कर दिया यहां पर ऑलरेडी अब ये अगेन दो नंबर सेम आ गए सेवनटीन तो ये किस पर है सेवनटीन पी तो हम दो बार पी लिख देंगे मतलब डबल पी नेक्स्ट है सिक्सटीन ई e पर आ रहा है ठीक है हमने यहाँ पर ई ऑलरेडी फिल किया हुआ है नेक्स्ट है फिफ्टीन तो फिफ्टीन के ऊपर क्या था फिफ्टीन के ऊपर तो आर था ठीक है तो हमने इस पर इस पर आर लिख दिया तो हमारा क्या वर्ड बना ग्रास होपर समझ गए आप लोग नेक्स्ट है ग्रास होपर ईट्स क्या खाता है ग्रास होपर तो ग्रास होपर ईट्स अब ये जो हमने वॉम्स लिखा है ये भी हमने नंबर्स को देखकर लिखा है ठीक है तो आप लोग जब करोगे तो आप लोग भी फाइंड आउट करके करना ठीक है डब्ल्यू ओ आर डब्ल्यू ओ आर एम एस worms और यहां पर ये यह जो नंबर लिखे हुए हैं इनके एल्फाबेट इनके नीचे लिखे हुए हैं ठीक है आप लोगों को भी वैसे ही करना है नेक्स्ट है द आंट्स ईट ग्रेन्स ठीक है तो मिसिंग वर्ड्स में आपका क्या आएगा यहाँ पर ants आएगा एंड ईट ग्रेन्स और ये सेकेंड वाला मिसिंग में आएगा आपका ग्रेन्स तो एंट क्या खाती है एंट्स ग्रेन्स खाती है तो ये भी हमने सेम वैसे ही किया है जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं यहां पर हमने उन नंबर्स को देखकर इनके अल्फाबेट्स को लगाया है आप लोग भी वैसे ही करना थर्ड है विंटर इज वेरी कोल्ड विंटर कैसी होती है ठंडी होती है ठीक है नेक्स्ट है समर इज वेरी वार्म समर कैसी होती है वार्म होती है गर्म होती है तो आपको समझ आया ना कि हमने किस तरीके से वर्ड्स को निकाला है तो आपको सारे मिसिंग वर्ड्स को इस बॉक्स की मदद से फाइंड आउट कर, कर लिखना है अंडरस्टूड ओके लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड इन दिस स्लाइड वी हैव अ क्वेश्चन सो लेट्स डिस्कस अबाउट दम अंडर अ पिक्चर अंडर पिक्चर ए सेंटेंसेस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन

They instead of a lady, a man, two girls and a dog. तो आपको जो पिक्चर ए के अंदर आपको लेडी मैन टू गर्ल्स एंड अ डॉग लिखा हुआ है ना तो आपको इनकी जगह कौन कौन से वर्ड्स का यूज करना है ही शी इट दे ठीक है सो लेट्स डू इट पहले पिक्चर पिक्चर ए है आपको इसको ध्यान से देखना है देखिए इसको ध्यान से एंड देन पिक्चर बी है ठीक है तो यहां पर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन पिक्चर बी में उसमें कुछ और काम कर रहे हैं तो पिक्चर ए की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें ऑलरेडी दी हुई हैं जैसे अ लेडी इज साइकिलिंग सो व्हाट इज द लेडी इज डूइंग इन दिस पिक्चर वो साइकिल चला रही है है ना नेक्स्ट नेक्स्ट में अ मैन इज रनिंग इसमें क्या कर रहा है मैन जो है वो भाग रहा है और टू गर्ल्स आर प्लेइंग सो वट आर दे डूइंग दे आर प्लेइंग है ना ये खेल रही हैं एंड अडॉग इज स्लीपिंग ह्योर यहां पर डॉग सो रहा है अंडर अब पिक्चर बी पर चलते हैं ठीक है अब यहां पर भी एक लेडी है यहां पर एक लेडी थी यहाँ पर भी एक लेडी है तो ये इसमें लेडी क्या कर रही है सो शी इज कटिंग क्रास वो खास काट रही है ठीक है नेक्स्ट में अ मैन इज रनिंग यहाँ पर जो मैन है वो भाग रहा था ना रनिंग कर रहा था बट ऑन दी अदर हैंड इन दिस पिक्चर ही इज स्लीपिंग इस पिक्चर में वो सो रहा है नेक्स्ट है टू गर्ल्स आर प्लेइंग इस पिक्चर में क्या हो रहा है दो गर्ल्स जो हैं वो खेल रहे हैं आपस में ठीक है लेकिन इस पिक्चर में क्या हो रहा है दे आर स्कीपिंग वो रस्सा कूद रही हैं। ठीक है स्कीपिंग कर रही हैं। अ डॉग अ डॉग इज स्लीपिंग तो पिक्चर ए में जो डॉग है वो सो रहा है ऑन दी अदर हैंड पिक्चर बी में जो डॉग है वो क्या कर रहा है वो पानी पी रहा है तो इट इज ड्रिंकिंग वॉटर अंडरस्टूड सो दैट इज योर क्वेश्चन ओके सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विथ न्यूज लाइट दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर तो इस स्लाइड के अंदर आप क्या करते हो जो लास्ट स्लाइड होती है इसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हो तो so, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होता है तो आप उसे कर्सिव राइटिंग में प्रैक्टिस करते हो उसी तरीके से जैसे वो लाइन दी हुई है ठीक है तो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है द सन शाइन्स इन द स्काई तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड दैट इज योर होमवर्क And I hope you have understood the chapter and the exercise question. And we are going to finish this book here.